हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू ऑल। और आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और देखिए, मेरे प्लांट्स में 6 रोज़ेस एक साथ हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। और आज वैलेंटाइन डे का मौका भी है, तो सबके साथ अच्छे से एंजॉय कीजिए। मतलब लव्ड वन के साथ, लव यानी कि सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नहीं होता, हस्बैंड वाइफ का नहीं होता है, लव यानी कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स सब के साथ होता है। और ये ब्लॉग है कल का, यानी कि संक्रांति था संडे को। संक्रांति मतलब उसके संडे, यानी कि नॉनवेज होना चाहिए, लेकिन संक्रांति में हम लोग नहीं खाते नॉनवेज, इसलिए हम बाहर गए थे। और संक्रांति ना, मेरा मानना है कि संक्रांति मंडे थर्सडे सैटरडे ऐसे होना चाहिए। क्या करें, तो हम गए थे सौभाग्य गरीब भोजनम, 300 पर प्लेट, यानी कि वहाँ पर ना केले के पत्ते में खाने को दिया जाता है और 30 आइटम्स होता है। और पहले से वहाँ पे मतलब जानने के बाद रिसेप्शन में 10 मिनट्स ऐसे वेट करना पड़ता है। वहाँ पे टोकन लिया जाता है, पहले ही हम लोगों को वहाँ पे मतलब पे कर देना होता है। फिर वहाँ पे वेट करके फिर अंदर हम लोग गए। देखिए वहाँ पे मतलब प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहे थे पूरा अच्छे से। और देखिए कितना सारा उनका, बहुत सारे लोग वहाँ पे गए थे कल स्पेशली, और हम लोग वेट कर रहे थे हम लोग का कब आएगा। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, मन बोले कि चलो एक अच्छा जगह पे चलते हैं, वहाँ पे ना बहुत अच्छे से देंगे। तो 30 आइटम्स था वहाँ पे, और स्वीट 2 टाइप का था। और क्या क्या नाम था मैं बता देती हूँ, ये है मेनू, चकरा पोंगली, मिर्च भाजी, रोटी पचड़ी 2 आइटम्स, और ऑयल फ्राई कुछ था, और दम फ्राई, पनीर करी, ग्रेवी करी, पोंगुलू करी, मसाला करी, पप्पू मने की दाल, रसम, सांबर, और मज्जी का चारू, उलावा चारू, और कंदी पूड़ी, फिर करी वे पेक्कू पूड़ी, फिर पुलिहारा। पुलिहारा में तो आपको पता है फ्लेवर राइस, वेज बिरयानी, वाइट राइस, अवकाया पचड़ी, फिर नीमकाया पचड़ी, फिर घी, फिर कर, फिर बुटेर कुछ था, फिर पेरुगू यानी कि तो पेरुगू क्या है एक तो था, और पान स्वीट भी था, और रागी संक्रांति का कुछ था, मतलब जो ये रागी का एक तो था, और रायता। तो ये सब आइटम देखिए एक एक करके वो दे रहे थे केले के पत्ते में, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और सुमित सब देख रहा था कि क्या एक एक करके हम लोग को परोसा जा रहा है। एक्चुअली ना उसको साउथ इंडियन जो भी हम लोग खाना उसको पसंद है, तो वो खाली डोसा इडली खाएगा, ये सारा आइटम्स उसको पसंद नहीं है। वो बोल रहा था खाली डोसा खाऊंगा डोसा खाऊंगा, लेकिन वहाँ पे डोसा तो अवेलेबल नहीं था। 30 का 30 आइटम्स यही से भी था, और कंपलसरी यही सारा चीज़ ही, मतलब सबको पूछ रहे थे कि ये चाहिए वो चाहिए। हमने सोचा कि देखते हैं सब भी चीज़ तो हमें पसंद आएगा या नहीं पता नहीं, लेकिन हम लोग ले लिए कि देखते हैं क्या क्या आइटम्स हैं। और एक ना पुदीना राइस जो था मुझे अच्छा लग रहा था, पुदीना राइस, और राइस भी दे रहे थे और पापड़ भी दे रहे थे, ये सारा आइटम्स है कि नहीं। बहुत ही मतलब कितना अच्छा लग रहा है, और केले के पत्ते में। तो हमने खाना शुरू कर लिया, और सुमित तो नहीं खा रहा था ठीक से, वो खाली पापड़ खा रहा है, और मैंने राइस मंगाया। जिसको मतलब जिसका कुछ ख़त्म हो जा रहा है तो वो ना बार बार लेके आ रहे हैं और दे रहे थे। अच्छा सर्विस था वहाँ पे, बहुत अच्छा बिहेवियर भी था, बहुत अच्छा लग रहा था, और आइटम्स भी अच्छा था। देखिए ये पापड़ ही खा रहा है, और ये घी डाल दे, मुझे तो घी पसंद नहीं है। और ना वो तेलुगु में बोल रहे थे कि क्या मुझे समझ में नहीं आया, तो वो घी डाल दिए। घी मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, फिर भी खाना पड़ा, क्योंकि देखिए वो अच्छा नहीं लगता है ना, तो ले गए हैं थोड़ा थोड़ा करके खा ली मैं। और केले के पत्ते में खाना यानी कि संक्रांति में, और प्योर मतलब वेज बिना प्याज लहसुन का, बहुत ही शांति लगता है।
हमारे उड़िया में ना जो संक्रांति या फिर कोई भी पूजा का दिन होता है ना, तो केले का पत्ता मोस्ट होता है और उसमें खाते हैं ना, बहुत 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 अच्छा लगता है। केले का पत्ता देखने से हम लोग को मतलब उड़िया के जो भी है अरुआ डालमा याद आता है। तो हमने बहुत एंजॉय किया हमारा लंच कल का। फिर उसके बाद खाने के बाद, और यहाँ पे ना पान भी दे रहे थे तो पान भी लेकर आ गए। वहाँ पे पिकल्स वगैरह सारा वहाँ पे बेच रहे थे, जो भी चाहे वहाँ से ले सकते हैं। देखिए कितना नीट एंड क्लीन और पूरा वेल मेंटेन्ड। और ये सुमित तो इतना सहता नहीं, मतलब पूछिए मत। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।